अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ क्लास 4, टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एक्सरसाइज 2D, पेज नंबर 36 ओपन करें स्टूडेंट्स। बुक पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 1 साफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट 6 पार्ट्स हम कर चुके हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 7 वाला पार्ट। 7 वाले पार्ट की वैल्यू है 22, 33 एंड 44। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में फर्स्ट हम वैल्यू 22 के फाइंड करेंगे। तो 22 का वंस प्लेस पे यूनिट है, नंबर है यूनिट पे, वो इवन है, तो 2 से सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल 1 तो क्रिएट करें, 2 आता है, 2 का टेबल 1 तो क्रिएट करें, 2 आएगा, 2 1s are 2, 2 1s are 2, which means that 2 11s are 22। अब ये 11 है, तो 11 8s अपने टेबल में आता है, 11 1s are 11, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 33, हमें 33 के फैक्टर्स बनाने हैं। 33 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 का टेबल 1 तक क्रिएट करें, 3 आएगा, 3 का टेबल 1 तक क्रिएट करें, 3 आएगा, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 11s are 33, और 11 के साथ अपने टेबल में आता है, 11 1s are 11, ओके। अब जो थर्ड वैल्यू है वो है हमारी 44 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब 44 का जो यूनिट प्लेस में नंबर है वो इवन है, तो 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 का टेबल 2 तक क्रिएट करें, 4 आता है, 2 का टेबल 2 तक क्रिएट करें तो 4 आता है। अब 2 और 2 2 के टेबल में आते हैं, 2 1s are 2, 2 1s are 2, और 11 इटसेल्फ अपने टेबल में, 11 1s are 11। तो ये स्टूडेंट्स हमने 3 वैल्यूज के फैक्टर्स फाइंड किए हैं, और तब तक सॉल्व करना जब तक इनकी रिमाइंडर 1 1 ना आ जाए। अब हमें इनके क्या लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 22 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 11। अब सेकंड वैल्यू देखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11, ओके। अब थर्ड वाली देखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब हम ये तीनों वैल्यूज के स्टूडेंट्स फैक्टर्स लिख दिए हैं। हम तीनों में देखें कॉमन नंबर कौन सा है, 11 है, तो 11 को 70 करेंगे जी। और स्टूडेंट्स क्या कॉमन है तीनों में, कोई वैल्यू ऐसा नंबर इन तीनों में कॉमन है। अब 2 2 में देखेंगे, 2 फैक्टर्स में कॉमन, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमने इस 2 को सरल कर दिया, ठीक है। ए फैक्टर्स, ए प्राइम फैक्टर से आपने एक ही फैक्टर लेना कॉमन में, ये 2 ले लिया और कोई कॉमन नहीं, तो है यहाँ हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, 2 11s are 22। तो ये हमारे पास आंसर आया है कॉमन फैक्टर्स का, ओके। अब हमने फाइंड करने हैं नॉन कॉमन, नॉन कॉमन फैक्टर्स, और वो स्टूडेंट्स कौन से हैं नॉन कॉमन, 3 और 2, 3 मल्टीप्लाई 2, तो इनके मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6, ये किसका आंसर आया है नॉन कॉमन फैक्टर्स, ओके स्टूडेंट्स। अब हमने एलसीएम का फॉर्मूला यूज करा, जैसे हम फर्स्ट 6 पार्ट्स में कर चुके हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ओके, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का स्टूडेंट्स हमारा
तो यहाँ हम कॉमन फैक्टर्स के नीचे इसका आंसर लिखेंगे मल्टीप्लाई। नॉन कॉमन फैक्टर्स का आंसर क्या है हमारा 6। जी हाँ, हम नॉन कॉमन फैक्टर्स के नीचे उसका आंसर लिखेंगे 6। अब इन दोनों के बीच में आपको साइन नजर आ रहा है मल्टीप्लाई का, तो हम देखें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन देखें 22 को 6 से मल्टीप्लाई करें, बड़ी वैल्यू ऊपर रखें छोटी वैल्यू नीचे। अब 6 का टेबल 2 में रीड करना है, 6 2 12, तो लिखेंगे 1 कैरी, 6 2 12 प्लस 1 कैरी 30। तो ये हमारे मल्टीप्लीकेशन करने से है 132। ओके, ये हमारे इसका आंसर है कैल्शियम का 132 हमारा आंसर आया है 7 वाले पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आगे नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखा है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट मैंने करवाया है, इसके बाद जो 8 वाला पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है। दोनों पार्ट्स का होमवर्क करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।